वेलकम टू अभिजीत मिश्रा चैनल। नमस्कार दोस्तों, अभिजीत मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एएमसी चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस फिजिक्स से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और उनके आविष्कार से संबंधित जानकारी के साथ साथ उस वैज्ञानिक के बारे में भी डिटेल से जानेंगे जो इनके आविष्कारक हैं, जो कि आने वाले सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी है। तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की परीक्षा उपयोगी वीडियोज हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। हेनरी बेकुरल का जन्म 1852 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1908 ईस्वी में हुई थी। हेनरी बेकुरल फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज की थी। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात जोसेफ लिस्टर ने किया था। जोसेफ लिस्टर का जन्म 1827 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1912 ईस्वी में हुई थी। जोसेफ लिस्टर ब्रिटिश सर्जन थे और इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 1909 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1966 ईस्वी में हुई थी। भारत में 1948 ईस्वी में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। वे परमाणु अनुसंधान केंद्र के संस्थापक थे। वे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग अधिवेशन के भी अध्यक्ष रहे थे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के भी पहले निर्देशक थे। E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था। तो E=mc² का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 1879 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 1955 ईस्वी में हुई थी। अल्बर्ट आइंस्टीन यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे, जो कि बाद में अमेरिका में जाकर बस गए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1933 में सापेक्षिता के सिद्धांत यानी कि E=mc² का प्रतिपादन किया था। इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी की थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। तो सापेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो कहाँ स्थित है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान बंगलौर में स्थित है। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में मिला था। चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि सीवी रमन, इनका जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1970 ईस्वी में हुई थी। रमन प्रभाव के लिए 1930 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। 1954 में उन्हें भारत रत्न तथा 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार सम्मान से भी विभूषित किया गया था। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड का जन्म 1871 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई थी। ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1911 ईस्वी में
परमाणु के नाभिक की खोज की थी। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। तो सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जगदीश चंद्र बोस ने की थी। जगदीश चंद्र बोस का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई थी। जगदीश चंद्र बोस प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने मार्कोनी से भी पहले बेतार प्रणाली का समर्थन किया था। उन्होंने वनस्पतियों की संवेदनशीलता पर अनेक आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए। इन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी और इन्होंने केस्कोग्राफ नामक यंत्र का भी आविष्कार किया था। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस मेघनाद साह की कृति है। मेघनाद साह का जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई थी। मेघनाद साह भौतिकी के विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे और वह मात्र 30 वर्ष की आयु में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए थे। तापीय आयनन सिद्धांत एवं थर्मोडायनेमिक्स में इनके महत्व अनुसंधान है। उनकी अनुपम कृति द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड जेनर का जन्म 1749 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1823 ईस्वी में हुई थी। एडवर्ड जेनर इंग्लिश डॉक्टर थे जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो आर्यभट्ट ने यह बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी पूर्व और मृत्यु 520 ईस्वी पूर्व हुआ था। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलज्ञ तथा गणितज्ञ थे जिनकी रचना आर्यभट्टीय कहलाती है। इन्होंने गणित एवं खगोल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। सबसे पहले तो इन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक का जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई थी। जेम्स चैडविक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1932 ईस्वी में परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण यानी कि न्यूट्रॉन की खोज की थी। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। जॉन डाल्टन का जन्म 1776 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1844 ईस्वी में हुई थी। जॉन डाल्टन ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गुणित अनुपात का नियम भी इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है? तो द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज चार्ल्स डार्विन की रचना है। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का जन्म 1809 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1882 ईस्वी को हुई थी। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। प्राकृतिक बढ़न का नियम इनके द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हेनरी कैवेंडिश का जन्म
1731 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1810 ईस्वी में हुई थी। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज की थी। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे का जन्म 1578 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1657 ईस्वी में हुई थी। विलियम हार्वे ब्रिटिश डॉक्टर थे जिन्होंने रक्त परिवहन की खोज की थी तथा कारिकी एवं भ्रूणकी का प्रयोगात्मक अध्ययन भी किया था। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज W.C. रॉन्टजन ने की थी। W.C. रॉन्टजन का जन्म 1845 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 1923 ईस्वी को हुई थी। W.C. रॉन्टजन जर्मन के वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी, अतः एक्सरे किरणों को रॉन्टजन रेज भी कहते हैं। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो गति के जड़त्व नियम को गैलीलियो ने प्रतिपादित किया था। गैलीलियो का जन्म 1564 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 1642 ईस्वी को हुई थी। गैलीलियो इटली के वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया था और कोपरनिकस की थ्योरी का भी समर्थन दिया था और साथ ही साथ गति के जड़त्व का नियम प्रतिपादित किया था। गति के नियम किसने दिए थे? तो गति के नियम न्यूटन ने दिए थे। भारत का वर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? तो भारत का वर्ड्समैन डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। डॉक्टर सलीम अली का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। डॉक्टर सलीम अली प्रसिद्ध प्राकृति विज्ञानी एवं पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्हें भारत का बर्ड्समैन भी कहा जाता है। डॉक्टर सलीम अली को 1976 में पद्म विभूषण तथा 1983 में वन्य प्राणी संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की? तो आनुवांशिकी कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो टेलीस्कोप का निर्माण गैलीलियो ने किया था। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज सीडी डूबे ने की थी। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लाइकेन की खोज तुलासने वैज्ञानिक ने की थी। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो सर्वप्रथम जीवाणु का पता ल्यूवेनहॉक ने लगाया था। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी। गामा किरण की खोज किसने की? तो गामा किरण की खोज पॉल बिलियार्ड ने की। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज लुइस पाश्चर ने की थी। प्राकृतिक वरण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो नेचुरल सिलेक्शन का नियम चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले ने की थी। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? तो गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक न्यूटन हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मैं इसी तरह के परीक्षा उपयोगी वीडियोज हमेशा लाता रहता हूँ।
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की परीक्षा उपयोगी वीडियो आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक और शेयर जरूर करें और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।